हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों जीके के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो की एग्जाम के अंदर दोस्तों रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इब्राहिम शर्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? तो डीडी बसु ने ये बात कही थी, जो भारत का जो संविधान है वो है अर्धसंघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वुमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भारतीय जो कांग्रेस थी उसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उनका नाम था एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतवर्ष का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो कर्नाटक के अंदर शिव समुद्रम में जो पहला प्रोजेक्ट था उसका नाम था दोस्तों हाइडल पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सततकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने ये काम किया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य है वो है दोस्तों कर्नाटक। भारत के अंदर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर के अंदर स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति व उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, किसका कथन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है दोस्तों। संसदीय जो जनतंत्र की जो प्रधानमंत्री शक्ति है और उत्तरदायित्व का केंद्र होता है, किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा? तो फ्रांस की क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा था। किस पे पड़ा था दोस्तों? हेनरी पर पड़ा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्राप्त कर सके दोस्तों। और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और अगर आपके कोई सुझाव और विचार है तो प्लीज़ उसे टाइप कीजिए दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।